हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए कला संगठन की, जिसका नाम है मद्रास चोल मंडलम। बात करें तो मद्रास चोल मंडलम कलाकारों का एक गांव है, जहां पर चित्रकार, मूर्तिकार और हस्तशिल्पी निवास करते हैं। यानी और ये मद्रास चोल मंडलम है कहाँ, ये आपका गांव कहाँ स्थापित किया गया, तो ये चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मद्रास चोल मंडलम। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मद्रास चोल मंडलम। मद्रास चोल मंडलम क्या है? यह एक कलाकारों का गांव है, ठीक है, जहां पर चित्रकार, मूर्तिकार और हस्तशिल्पी निवास करते हैं। 1966 में KCS पन्नीकर द्वारा मद्रास के बाहरी इलाके में स्थापित कलाकारों का एक गांव है, जिसे चोल मंडल की संज्ञा दी गई है। और इस गांव को स्थापित किसने किया है? तो इस गांव को स्थापित KCS पन्नीकर साहब ने किया है। कब किया है? तो 1966 में स्थापित किया है। किसने? KCS पन्नीकर ने। कहां पर? मद्रास के बाहरी इलाके में, ठीक है। और यह क्या है? यह कलाकारों का गांव है, जहां पर हर तरह के कलाकार यानी चित्रकार, मूर्तिकार और हस्तशिल्पी निवास करते हैं। और इस गांव को क्या कहा जाता है? चोल मंडल की संज्ञा दी गई है, या फिर कह सकते हैं मद्रास चोल मंडलम की संज्ञा दी गई है। चेन्नई से कहाँ से? चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर मद्रास चोल मंडलम की स्थापना की गई। तो चेन्नई से कितने किलोमीटर दूर? 9 किलोमीटर दूर किसकी स्थापना की गई है? मद्रास चोल मंडलम की स्थापना की गई है। चोल मंडल के कलाकार यूरोपीय शैली अव्यंजनावाद से प्रभावित, आपसे पूछा जा सकता है चोल मंडलम के कलाकार किससे प्रभावित थे? तो यूरोपीय शैली किससे? अव्यंजनावाद से प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1966 में स्थापित चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज, जिसे हम मद्रास चोल मंडल भी कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा कलाकार कम्यून है। यह गांव चेन्नई यानी मद्रास से 9 किलोमीटर दूर इंजम बक्कम गांव में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको देख लेते हैं, ये क्या है, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। इसे चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज भी कहते हैं, ठीक। भारत का सबसे बड़ा कलाकार कम्यून है, ठीक है। और यह गाँव कहाँ है? यह चेन्नई या फिर कह सकते मद्रास से 9 किलोमीटर दूर कौन से गाँव में? इंजम बक्कम गांव में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज और 3400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज है वो कितना बड़ा है? तो 8.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, या हम कह सकते हैं 3400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, KCS पन्नीकर 1957 से लेकर 67 तक मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे इसको। आपसे पूछा जा सकता है कि KCS पन्नीकर मद्रास कला विद्यालय प्रधानाचार्य कब से कब तक रहे? तो 1957 से 1967 तक। या फिर पूछा जा सकता है KCS पन्नीकर प्रधानाचार्य थे, आपको कला विद्यालय दे रखे हों तो उसमें किसके थे? मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पन्नीकर और पन्नीकर से जुड़े छात्र और कलाकारों ने मिलकर आर्टिस्ट हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन, या कह सकते हैं AHA यानी AHA का गठन किया, जो एक क्या है? सहकारी समिति है, जो गांव में काम करती है और परिसर में स्थायी प्रदर्शनी के माध्यम से अपने कलाकृतियों की बिक्री करती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पन्नीकर यानी पन्नीकर से जुड़े जो छात्र थे और उनसे जुड़े जो कलाकार थे, उन लोगों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? आर्टिस्ट हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी AHA की स्थापना की थी। यह एक ऐसी समिति थी, तो यह एक सरकारी समिति थी, यह क्या करती थी? गाँव में काम करती थी और परिसर में स्थायी प्रदर्शनी, अब वहाँ पर क्या स्थायी प्रदर्शनियाँ लगाई जाती थी, जिसके माध्यम से वह क्या करते थे? अपनी कलाकृतियों को बेचा करते थे। यानी वहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्टिस्ट हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी। और यह क्या करते थे? वहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाया करते थे और अपनी उन प्रदर्शनियों में अपने चित्र, मूर्तियाँ या जो भी चीज़ें वो बनाते थे उनकी बिक्री करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह कलाकार हस्तशिल्प का निर्माण करते, ये कलाकार क्या करते थे? हस्तशिल्प का निर्माण करते थे। वे बैंटिक कपड़े बनाने वाले देश के पहले लोगों में थे, ठीक है। इनकी पहली प्रदर्शनी की आय से क्या खरीदी गई थी? जमीन खरीदी गई थी, जिससे गांव बनाया गया। बैंटिक कपड़े का निर्यात इटली देश को किया जाता था। चलिए इसको देख लेते हैं, तो ये कलाकार क्या थे? हस्तशिल्प थे, यानी हाथों से बनाते थे चीज़ें, ठीक है। यानी और ये बैंटिक कपड़े बनाने वाले देश के पहले लोग थे, यानी जो हमारा मद्रास चोल मंडलम के लोग थे वो क्या, किसका? बैंटिक कपड़े बनाने वाले पहले लोग थे। और इनकी जब पहली प्रदर्शनी हुई, मद्रास चोल मंडलम की पहली प्रदर्शनी, और उसकी प्रदर्शनी से जो आय आई, यानी जो भी आय आई उससे क्या खरीदा गया? जमीन खरीदी गई थी, ठीक है। और जमीन कौन सी? वही जमीन खरीदी गई जो जिससे वहाँ पर गांव बसाया गया था, मद्रास चोल मंडलम, ठीक है।
वेंटिक कपड़े का निर्यात कहाँ किया जाता था, तो इटली को किया जाता था। मद्रास चोलमंडलम के कलाकार, यानी कलाकार क्या, मद्रास चोलमंडलम के संस्थापक कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केसियस पनिकर, ठीक है। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है कोवालेची चीरा माथुर शंकर पनिकर, यानी के से कोवालेची, सी से चीरा माथुर, एस से शंकर और पनिकर, ठीक, यानी कोवालेची चीरा माथुर शंकर पनिकर इनका पूरा नाम था। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है कोयम्बटूर, कहाँ पर, तमिलनाडु में, और कब हुआ है, तो 31 मई 1911 में, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनकी शिक्षा की तरफ। तो इनकी शिक्षा हुई है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई से हुई है, ठीक, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये कहाँ पर, चेन्नई से इनकी शिक्षा हुई है। कब से कब तक ये वहाँ पढ़े हैं, 1936 से लेकर 40 तक। इनके कला गुरु कौन थे, केसियस पनिकर के कला गुरु हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, कौन है, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगर हम बात करें केसियस पनिकर पर किसका प्रभाव था, तो पाश्चात्य प्रभाव किसका था, तो इन पर सल्वाडोर डॉली का प्रभाव था, किसका, सल्वाडोर डॉली का। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया, कोवालेची चीरा माथुर शंकर पनिकर नाम हो गया इनका पूरा। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म कोयम्बटूर तमिलनाडु हुआ है, और कब हुआ है, 31 मई 1911 में हुआ है। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा 1936 से लेकर 40 तक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में हुई है। इनके कला गुरु, तो इनके कला गुरु हैं देवी प्रसाद राय चौधरी जी। अगर इन पर पाश्चात्य प्रभाव की बात करें तो इन पर पाश्चात्य प्रभाव था सल्वाडोर डॉली का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है केसियस पनिकर चेन्नई के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के उप प्रधानाचार्य 1955 में तथा प्रधानाचार्य 1957 से 67 तक, मैंने आपको पहले ही बताया ये प्रधानाचार्य कब से कब तक रहे हैं, तो 1957 से लेकर 1967 तक रहे, और कहाँ पर रहे, मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे, यानी हम यहाँ कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मद्रास कला विद्यालय, ठीक है। जो केसियस पनिकर कहाँ पर उप प्रधानाचार्य थे, तो ये उप प्रधानाचार्य थे मद्रास कला विद्यालय के, 1955 में बनते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है, चेन्नई। और ये प्रधानाचार्य कब तक रहे, तो 1957 से लेकर 67 तक ही प्रधानाचार्य रहते हैं, ठीक है, और किसके, मद्रास कला विद्यालय के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, केसियस पनिकर ने चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन PPA की स्थापना 1960 ईस्वी में की, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने PPA की स्थापना कब की, या फिर कह सकते हैं प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना कब की, तो 1960 में की थी, और कहाँ पर की थी, तो चेन्नई में की थी, ठीक है। 1967 में पनिकर ने कला विद्यालय से अवकाश ले लिया था, यानी 1967 के बाद इन्होंने क्या किया था, कला विद्यालय से अवकाश ले लिया था, यानी पढ़ाना पहले उप प्रधानाचार्य, फिर प्रधानाचार्य, फिर इन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, केसियस पनिकर ने चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर चोलमंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की थी, ठीक है। तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी, चोलमंडलम आर्टिस्ट विलेज की, या फिर कह सकते हैं मद्रास चोलमंडलम की, और कहाँ पर, चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर, किसकी, मद्रास चोलमंडलम की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, केसियस पनिकर की कला तांत्रिक कला से मिलती जुलती है, किससे मिलती जुलती है, तांत्रिक कला से मिलती जुलती है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे कि किसको तांत्रिक कलाकार कहा जाता है, तो केसियस पनिकर को कहा जाता है, ठीक है। और चोलमंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी, तो केसियस पनिकर साहब ने की थी, कहाँ पर की थी, चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कब से कब तक कहाँ के प्रधानाचार्य रहते थे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे। और इनके कला गुरु, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक, कौन है, देवी प्रसाद राय चौधरी। नेक्स्ट पॉइंट है, केसियस पनिकर को तंत्र कला का जनक कहा जाता है, पनिकर को तंत्र कला का जनक कहा जाता है, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। क्या कहा जाता है, केसियस पनिकर को तंत्र कला का जनक कहा जाता है, या फिर किसकी कला तांत्रिक कला से मिलती जुलती है, तो केसियस पनिकर की कला तांत्रिक कला से मिलती जुलती है, ठीक है। केसियस पनिकर अपने चित्रों में लिपि व प्रतीकों का अंकन करते थे, तो ये अपने चित्रों में किसका, लिपियों का और प्रतीकों का अंकन करते थे। नेक्स्ट है, पनिकर की लिपि अपठनीय व अस्पष्ट है, जैसे लोगों ने हड़प्पा लिपि का नाम दिया, ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे कि किसकी लिपि को हड़प्पा लिपि कहा गया है, तो आप कह सकते हैं केसियस पनिकर की लिपि को, ठीक है। केसियस पनिकर की लिपि जो है वो अपठनीय, यानी उसे पढ़ा नहीं जा सका, अस्पष्ट है, यानी कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे लोगों ने हड़प्पा लिपि नाम दिया है, ठीक है। केसियस पनिकर के चित्रों में फाववाद का प्रभाव किसका, फाववाद का प्रभाव झलकता है, ठीक, केसियस पनिकर के चित्रों में किसका प्रभाव झलकता है,
फाओवाद का प्रभाव झलकता है। ठीक है, पनिकर ने 50 चित्र केरल की जनता को दान दिए। ठीक है, तो क्या है, केसिस पनिकर ने कितने चित्र केरल की जनता को दान में दिए थे? तो 50 चित्र केरल की जनता को दान में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पनिकर भारत के आध्यात्मिक व अमूर्त चित्रकार थे। पनिकर भारत के आध्यात्मिक व अमूर्त चित्रकार थे, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए, पनिकर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1926 में फाइन आर्ट सोसाइटी मद्रास की अखिल भारतीय प्रदर्शनी में हुआ था। ठीक है, तो इनकी पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? 1926 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो फाइन आर्ट सोसाइटी मद्रास की अखिल भारतीय प्रदर्शनी में हुई थी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, 1938 में फाइन आर्ट सोसाइटी पश्चिम बंगाल का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, उनकब 1938 में किसका? फाइन आर्ट सोसाइटी का पश्चिम बंगाल का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। पनिकर को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का फेलोशिप 1976 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो पनिकर को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का फेलोशिप कब प्राप्त हुआ? तो 1976 में प्राप्त हुआ था। किसका? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का फेलोशिप। ठीक है, पनिकर का देहांत कब हो गया? तो पनिकर का देहांत हो गया है 16 जनवरी कब? 16 जनवरी 1977 को 66 वर्ष की आयु में। कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। ठीक है, कब? 16 जनवरी 1977 में 66 वर्ष की आयु में। और कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। यानी हम कह सकते हैं टाइम कब से कब तक हो गया? तो केसिस पनिकर का टाइम हो गया 1911 से लेकर 1977 तक। ठीक है, यानी 66 वर्ष की आयु तक। ठीक है, चलिए, उनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, अब देख लेंगे इनके प्रमुख चित्रों को। तो प्रमुख चित्रों में है आदम और हवा, ईशा, काली सड़क, बसंत, धन्य शांति। तो ये हो गए कुछ इनके प्रमुख चित्र। अब इनमें इम्पॉर्टेंट देख लेंगे, ये जितने हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, आदम और हवा इम्पॉर्टेंट है, ईशा भी इम्पॉर्टेंट है, काली सड़क भी इम्पॉर्टेंट है, बसंत भी इम्पॉर्टेंट है, और धन्य शांति। तो ये कुछ इनके प्रमुख चित्र, जो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको केसिस पनिकर साहब अच्छे से समझ आ गए होंगे और मद्रास चोलमंडलम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।